आज से दो दिन बाद 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहां की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहां आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। आप लोगों को पता ही है कि भारत में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिन पहले शांति निकेतन और कर्नाटका के पवित्र होयसड़ा मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। मैं इस शानदार उपलब्धि के लिए समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। मुझे 2018 में शांति निकेतन की यात्रा का सौभाग्य मिला था। शांति निकेतन से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जुड़ाव रहा है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का मोटो संस्कृत के एक प्राचीन श्लोक से लिया था। वह श्लोक है, यत्र विश्वम भवत्येक निडम, अर्थात जहां एक छोटे से घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं, तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे।